रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट रिव्यू सामने आया है। रिव्यू बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर एसएस राजामौली ने किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें ये फिल्म क्यों पसंद आई है। समय पहले रणबीर कपूर की शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जो कि डिजास्टर साबित हुई। संजू के 4 साल बाद उन्होंने शमशेरा से वापसी की, लेकिन सफलता हाथ न लग सकी। अब रणबीर कपूर नई फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं। वाइफ आलिया भट्ट के साथ उनकी ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 में रिलीज होगी। इसके प्रचार प्रसार में वह लगातार जुटे हुए हैं। अब ब्रह्मास्त्र का पहला रिव्यू सामने आया है। रिव्यू बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर एसएस राजामौली ने किया है। वह हाल में ही ब्रह्मास्त्र टीम के साथ नजर आए थे और अब उन्होंने फिल्म पर प्रतिक्रिया दी है। एसएस राजामौली ने ब्रह्मास्त्र को लेकर कहा कि ये फिल्म भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने लेकर आएगी। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रह्मास्त्र न केवल सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, बल्कि यह साल की सबसे महंगी प्रस्तुतियों में से एक है। राजामौली ने कहा, अयान ने एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना देखा था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये फिल्म अस्त्रों की शानदार दुनिया है जो हमने अपने इतिहास अपने पुराणों से सीखी है। राजामौली ने ब्रह्मास्त्र और इसके डायरेक्टर अयान मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा, अयान ने जो दुनिया बनाई उसे बनाना आसान नहीं है। एक ऐसी शक्ति बनाई है जिसकी अभी भी कुछ सीमाएं हैं। उसने एक बड़ा खलनायक बनाने की गुंजाइश भी बनाई। बुराई पर जीत के लिए, अच्छाई के संघर्ष के लिए, एक परी कथा की तरह नहीं है। यह अस्त्रों की कहानी कहने का अलग तरीका है। यही चीज मुझे ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत आकर्षित कर रही है।